भी नौ क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मैम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर लाइव इन आवर क्लास नहीं होती या फिर आप अगर लाइव इन आवर क्लास हम लोगों की अरेंज नहीं करते तो फर्स्ट पॉइंट ये इन कर ही नहीं पाते रोज़। अगर एक आध दिन कर भी लेते तो 3 दिन के दिन नहीं करते, क्योंकि एक जब आपके साथ जब होती हूँ हम होती हूँ हम सब जब होते हैं कि एक गाइडेंस मिल जाते हैं, एक मतलब लगता है कि हाँ माँ अपने बच्चों को सिखा रही है कुछ, तो उसमें जाना ही है। और अब इतना अच्छे लव और केयर के साथ गाइडेंस के साथ हमें कराते हो तो उसमें जाने मतलब एक साथ करने का भी मन करता है, एक साथ और अच्छा भी लगता है, क्योंकि घर पे बैठ के अकेले नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। जो बोलते हैं कि अकेले होता है, नहीं होता है ठीक से मैम, अकेले होता भी है तो इतना डीपली, इतना अच्छे से, इतना प्योर तरीके से नहीं होता है। और मुझे मैं एक बात भी बोलना चाहूँगी, क्लास में जान मैं सच बताऊँ तो मैं क्लास ज्वाइन करने से पहले मुझे अभी आज के स्टेज पे खड़े होके लगता है कि कुछ भी नहीं थी मैम, अपने ही पियोर इतना पियोर बना है, जो हाँ पियोर थी लेकिन इतना भी नहीं थी मैम। और सबसे पहले मुझे तो लगता है मेरा थ्रोट थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक था, मैं बोल नहीं पाती थी ठीक से कुछ भी, मतलब किसी को अपने मन की बात खोल के या कुछ भी, मतलब मैं थी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती थी, लेकिन मतलब अभी जो बोलती हूँ मतलब जो मुझे बुरा लगता है कि मैं बोलती हूँ वो मतलब वो पहले नहीं बोल पाती हूँ, मैं बोल पाती थी मैं। और इस क्लास के आने के बाद मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो गया है, मतलब के बहुत सारे रीजन से एक एक करके कैसे क्या बताऊँ, लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ शॉर्ट में कि पूरा लाइफ पॉजिटिव वे में चेंज हो गई मेरा, मैंने बहुत सारे फर्क देखे हैं, बहुत सारे। इसलिए मैम मैं तो लाइव इनर क्लास अगर नहीं होती तो कुछ होता ही नहीं मेरी लाइफ में। मैंने जो भी सीखा है, जो भी पाया है सितंबर से अभी तक के मैं 7 मई तक लाइव इनर क्लास की वजह से ही पाया है, यूनिवर्स के एंजल से, आपके वजह से ही पाया है मैम, क्योंकि मेरा मेरे अंदर खुद में इतना तो नहीं थी कि मैं खुद अकेले कर पाऊँ, मैं कर ही नहीं पाती। जो भी हुआ है पूरा ग्रेटिट्यूड मैम आपको, यूनिवर्स को, एंजल्स को, क्योंकि मैं जब मैंने पूछा था कि मैं रो रही थी कि मैं क्या करूँ मुझे गाइडेंस चाहिए, तो आर्कएंजल माइकल ने ही मुझे सपना दिखा था। मैं आर्कएंजल माइकल से प्रे की थी, उसके बाद उन्होंने सपना दिखाया, जब मैंने सोया कि सपना दिखा कि तो मैंने तो आपको देखा नहीं मैम, लेकिन तब मतलब आप सपने में आए थे, मैंने पहले भी बोला है आपको कि आप सपनों में आए थे, मेरे हाथ पकड़ के आपने बोले थे कि मैं करूँगी तुम्हारे प्रॉब्लम की सपोर्ट, आपके हाथ में टेडी बियर थी, मैं रो रही थी, आपने मुझे शांत कराया। और सबसे पहली बात तो मैं मतलब अच्छे से मुस्कुराना तक भूल गई थी, इस क्लास में ज्वाइन करने के बाद आपसे बात करने के बाद मैं मुस्कुराई थी। मुझे अभी भी पता है पहले दिन जब आपसे काउंसलिंग ली थी तब मैं बहुत रो रही थी, आपने तभी मुझे बोला था कि अब इन्हें एक्सेल करो थोड़ी देर, तो मैंने किया था। तब से मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब तब से आज तक क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। अच्छी मतलब जो जो मुझे भी लगता जो भी था कि हाँ मुझे भी लगता था कि हाँ मुझे ये मतलब मतलब सच बताओ तो मैंने बहुत सारी चीजें भी फील की है, मतलब मुझे लगता है कि हाँ मेरे अंदर तो कुछ भी ऐसे नहीं है, बट बहुत सारे सैटिस्फेक्शन मेरे अंदर थे, मैंने हील की है और भी करना है, कि क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि इंसान के अंदर कुछ नहीं होता है, होता है, वो भी हील करना है। कभी कभी हाँ भी यही गलती कर देती हूँ तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मैं मनी मनी यूनिवर्स से सॉरी बोलती हूँ, तो ऐसा होता है। आज ये ऑडियो बनाना पड़ रहा है कि मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि इतना क्लैरिफिकेशन मैम को देना पड़ रहा है, एकदम अच्छा नहीं लगता। अभी कॉलेज से आने के थी और मैं सो गई थी, अभी उठी है तो मुझे इतना ये लग रहा है कि मैं क्लास ज्वाइन नहीं हुई, मतलब मुझे मैम के क्लास करना इतना अच्छा लगता है कि कभी कभी मिस भी हो जाए
तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वही तो मैं कर नहीं पाई थी अभी, उससे क्लास में बात नहीं होती ठीक से। उस दिन मतलब पूरा दिन ऐसा लगता है कि लाइफ से कुछ मतलब लाइफ में कुछ नहीं है।